नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। सीवान के पूर्वी हरियाणा से स्थित संसार इंडस्ट्रीज का नाम आज सीवान ही नहीं आसपास के जिलों में भी प्रसिद्ध है। फेबर ब्लॉक, टाइल्स, रेलिंग पाइप, फ्लाई एश, ब्रिक्स खरीदने के लिए यहां दूर दूर से लोग आते हैं। संसार इंडस्ट्रीज के ओनर का कहना है कि अपने ग्राहकों को उचित दाम पर बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट मुहैया कराना उनका प्रमुख ध्येय है। इसके साथ ही वो अपने प्रोडक्ट की डिजाइन पर भी विशेष फोकस रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, राय न्यूज में स्वागत है आपके। आज सिवान जिला प्रखंड कुशनगढ़ पंचायत पूर्वी हरियाणा यहां पे संसार इंडस्ट्री के पास पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने यहां संचालक मेरे सामने उपस्थित है और ये उद्योग का मालिक भी मेरे सामने उपस्थित है। इनसे हम परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले राय न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने किस तरह से यहाँ पे उद्योग डाले हुए हैं? ये उद्योग मेरे यहाँ फेबर ब्लॉक और टाइल्स और रेलिंग पाइप से दो प्लांट मेरे पास है यहाँ, और फ्लाई एक्स ब्रिक्स का भी प्लांट मेरे पास है। वो भी फ्लाई एक्स ब्रिक्स बनता है मेरे फ्लाई एक्स ब्रिक्स। अच्छा, अभी फेबर ब्लॉक में आपको मिलेगा मेरा डमरू एच झी झक, और टाइल्स मिलेगा 2.5 इंच 10 बाई 10 का, 2.5 इंच का वो, और सवा इंच भी आता है 10 बाई 10। इसके अलावा और भी बहुत सारा मेरे पास डिजाइन है, दिल है, ब्लॉक दिल है, वो भी बैठता है उसी में। तो मेरे पास कम से कम 20 डिजाइन का पेपर ब्लॉक बनता है मेरे यहाँ। 20 डिजाइन का अच्छा, 20 तरह का किस तरह से फेबर ब्लॉक का आपने बनाने का काम करते हैं? अलग अलग, उसका क्या खासियत है? अलग अलग डाइज है, डाइज जो अलग अलग शेप का माल निकलता है। मशीन एक ही है लेकिन डाइज अलग अलग है, उससे माल निकलता है। ये डाइज आती है, ये मशीन सब गुजरात से आता है। जी, ये अपने बिहार में ही बनता है मशीन, वहाँ से आता है, इस माल निकलता है। सब ऑटोमेटिक है हमारे यहाँ। 2000 किलो के वजन से दब के ये बनता है प्रेस। इसका प्रेशर रहता है कि 2000 किलो वजन से दब के बनता है। और ये इस पर ट्रक चलाइए, चाहे 400 टन चलाइए, 500 टन चलाइए, 200 टन चलाइए, कोई ब्रोकन नहीं होता हमारे यहाँ, कोई चीज़ टूटता नहीं। और मोस्टली सिवान जिला में जितना पेट्रोल पंप लगा है सब पर मेरे यहाँ का फेबर ब्लॉक, जिसका नाम है झीक झाक, ये लगा हुआ है। अच्छा, अपना माल कहाँ कहाँ भेजने का काम करते हैं? मेरा पूरा सिवान जिला में जाता है, बीसीए जाता है, पटना जाता है, छपरा जाता है। अच्छा, क्या खासियत है इतने दूर दूर आपके माल बने यहाँ से सिवान से आपको बेतिया तक जाने का प्रयास है, क्या इसमें खासियत है? कि हमारी क्वालिटी अच्छी है। जी, और मैं खुद ही सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, सऊदी अरब में 23 साल रहे, रशिया में रहे, पोलैंड में रहे, तो मेरे यहाँ जो भी आइटम बनता है वो एक नंबर आइटम बनता है। पैसा कमाने की लालच नहीं बनाता हूँ, इस लालच में बनाता हूँ कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध हो, प्रचार हो आइटम का। लोग ऐसे ही माल बना के और भी कोई व्यवसायी हो इसी उद्देश्य से मैं अपना माल इस तरह का बनाता हूँ। अच्छा, क्या यहाँ पे सारे जिला के हर कड़ा पे कितने सारे फेबर ब्लॉक का ईटा का काम किया जाता है? क्या लगता है आपके यहाँ सस्ते से सस्ते रेट में आप देने का काम करते हैं? ना, हमारे जो रेट है फैक्ट्री का, मैं एक ईट पर 1 रुपया नफा लेता हूँ। चाहे वो 15 का लीजिए, 18 का लीजिए, 18 से शुरू होता है हमारे, 18 से लेकर 50 तक का ईट खड़िया है। 18 का है, 19 का है, 20 का है, 22 का है, 24 का है, 28 का है, जो स्टेट बैंक सब बैंकों में रहता है टाइम वाला झीक झाक। और डी एम साहब का बंगला भी मेरे यहाँ से लगा हुआ सारा है झीक झाक। और एक और खुशी, एक नई चीज़ बनाया हूँ कि बहुत जगह RCC छत होता है रूफ, गर्मी में वो तप जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है छत पर, जिस हमारे 2 फ्लोर 3 फ्लोर बढ़ाए तो लास्ट फ्लोर का गर्मी नीचे आता है रूम में, तो उस गर्मी को रोकने के लिए एक टाइल्स अलग से बनाया हूँ जिसका 20 mm मोटाई है। सिवान डिस्ट्रिक्ट जज के पेशकार साहब के घर में छत पर सारा ये लगा हुआ है हमारे यहाँ का, ये नई चीज़ है। और मुझे उम्मीद है कि सिवान जिला के डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पूरा हर जो भी गवर्नमेंट का बिल्डिंग है सब पर वो टाइल्स लगेगा। तो ऑर्डर के लिए पेशकार साहब ने कहा कि सिवान जिला और गोपालगंज जिला का आपको माल बना के देना है। मैंने कहा थैंक यू सर, ऑर्डर मुझे दीजिए, मैं बना के दूंगा। ये नई चीज़ है, और जो कहीं सिवान नहीं बनता ना बने किसी पास नहीं है। एक और चीज़ मेरे यहाँ है, रेलिंग पाइप जो आप छत पर चढ़ते हैं सीढ़ी से,
तो रेली पाइप पीओपी से नहीं, वो इसका मेटेरियल आता है राजस्थान से, अपने बिहार में नहीं है, उस रॉ मेटेरियल से मैं बनवाता हूँ रेली पाइप, जो छत पर चढ़ी है, छत पर चारों तरफ बाउंड्री जो कराते हैं, छत पर न कराएंगे रेलिंग पाइप लगता है, खूबसूरत भी लगता है और देखने में अच्छा लगता है, हवा वगैरह सब आता है, वो रेलिंग पाइप भी मेरी है बनता है, वो भी कम से कम हमारे 8,000-10,000 का 10,000 नंबर ऑफ स्टॉक मिलेगा एनी टाइम। ये चाचा फेवर बना हुआ है, इसका क्या नाम है? इसका टाइल्स नाम है, दस सिंह टाइल्स। ये टाइल्स है, ये टाइल्स कहाँ पर प्रयोग होता है? ये सीढ़ी पे होता है और ग्राउंड में होता है। ग्राउंड में होता है, एक और बनाए हुए हैं, ये भी टाइल्स, ये पतला है चाचा, इसके बारे में? हाँ भाई, इसका ये भी वही काम करता है। अच्छा, तो ये काम करेगा, सीमेंट बालू को प्लास्टर कर लगेगा, और वो सिर्फ मिट्टी पर रहता है या बालू पर रहता है, मजबूत रहता है। जीत जा, ये 20 रुपए पीस आता है, ये सब रोड पे बेचता है, हर रोड पे बेचते है, जीत जाए। ये है डमरू, डमरू 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 कौन होता है? ये डमरू है, ये इसका दाम है 28 रुपए हमारे। और आगे है, ये है फ्लाई एस वृक्ष, फ्लाई एस वृक्ष जो गवर्नमेंट की मान्यता मिला है कि चिमनी का ईट नहीं लगाना है, ये ईट लगाना है, तो ये मैं बनाता हूँ फ्लाई। एक दाम पड़ता है 10 रुपए। इसका क्या नाम है? इसका नाम है रेलिंग पाइप, ऐसे गिरेगा। ये देखिए, ये चचा बहुत खूबसूरत रेली पाइप भी के बारे में हम जानकारी लेना चाहते, देखिए कितना बेहतरीन बनाए हुए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे चचा? ये रेली पाइप है, छत पर लगता है, बालकनी में लगता है, गैलरी में लगता है, सीढ़ी पर लगता है, बहुत मजबूत होता है, इसको बोलते हैं एच पेपर ब्लॉक। अच्छा, एच पेपर ब्लॉक सर, ये आईसीसी का, ये पेपर ब्लॉक। अच्छा, चलिए कुछ चलिए ऊपर लीजिए, ये है आपको झीक झाक, रोड पर रोड में काम किया जाता है। इसके बारे में बताइए, इसमें ये रूफ पर लगता है, छत पर, कंक्रीट के बाद, बहुत मजबूत होता होगा, धूप को रोकने के लिए लगता है, बहुत मोटा नजर आ रहा है, ये 2.5 मोटा है, 10x10 साइज है इसका। जी जी, ये भी लगता है रेलिंग में, ग्राउंड में, बालकनी में, या घर में, ग्राउंड बहुत बड़ा है, उसमें भी लगता है। इसके बारे में, ये सीमेंट बालू पे लगता है। जी जी, और 2.5 जोड़ा लगता है बालू पे, बालू पे ये लगता है, सीमेंट बालू पे लगता है। सॉरी, मोटा है। ये मशीन है, कितने प्रकार के यहाँ पे फेवर ब्लॉक ईंट का काम निकाला जाता है? ये डाई बदल बदल करके बनाया जाता है। जी जी, मेरे पास 24-26 डाई है, सबको बदल के इस मशीन से निकालता है। अच्छा, ये क्या काम करता है चाचा? ये मशीन का क्या काम है? ये मशीन कौन है? ये रंग बनाता है, कलर मशीन। ये मशीन का क्या काम है? ये रंग बनाता है, रंग कलर बनाता है, ये कलर बनाता है, मैंने ईटा के कितने कलर, लाल पीला सफेद जो है, रंग बनाएगा। अच्छा, ये रंग बनाता है, कलर के लिए मशीन रखा हुआ है। ये मशीन को लगा हुआ है, इसका काम क्या? मिक्सर। अच्छा, ये सीमेंट बालू गिट्टी जो माल बनता है इसमें, हाँ हाँ, डाल के सब मिक्सिंग करके बनाया जाता है, हाँ हाँ, तब जाके वहाँ मिलता है माल। मिक्सर मशीन है। देखिए, यहाँ पे फेवर बना के ईटाकरण के उद्योग पर पहुंचे हुए हैं। ये चाचा का कहना है, यह 3 जिला छोड़ दीजिए, बाहर भी बेतिया दूर दूर यहाँ से माल भेजने का काम करते हैं। ये भी कह दीजिए, 2 साल की गारंटी है, अगर ईट टूट गया तो मैं दूसरा ईट देता हूँ। अभी देखिए, सबसे बड़ी बड़ी यहाँ में जिम्मेदारी निकल के आया है, 2 साल के इन्होंने गारंटी देने का काम कर रहे हैं, अगर टूट गया तो अभी भी आपस इन्होंने करने का काम करेंगे। नमस्कार राय न्यूज़।